अपने हक और अधिकार के मांग के साथ साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी एकता अधिकार मंच का प्रमंडलीय महासम्मेलन हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में किया गया। हजारों की संख्या में ओबीसी के लोग पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दिए। मौके पर ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के संयोजक ब्रह्मदेव प्रसाद ने ओबीसी समाज की जनगणना करवाकर समाज में महिलाओं और युवाओं को आरक्षण देने का बिगुल फूंका। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। अपने संबोधन में बीडी प्रसाद ने कहा कि ओबीसी समाज की जो बात करेगा ओबीसी समाज उसी के साथ रहेगी। राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं बल्कि सरकार से है। देखिए आज ओबीसी का जो कार्यक्रम हुआ है ये अपने आप उदाहरण के रूप में झारखंड में हुआ है और इस तरह से कार्यक्रम हम लोग यहाँ जो आज हुआ है परमवीर जी और उनके जितना सहयोगी मंडली के साथ में यह कार्यक्रम में हमने घोषणा भी किया पूरे परमंडल में हम लोग एक एक दिन अलग से बैठक करके और पूरे झारखंड को जगाएंगे और जगाने के बाद रांची में भूतों ने भविष्य हुआ होगा उस तरह से पिछड़ों का जो 300 प्रजातियाँ हैं सभी का एक दिवसीय सम्मेलन हम करेंगे और राज्य सरकार को मजबूर करेंगे कि जो पिछड़ों का आरक्षण है पिछड़ों का जो हक और अधिकार है शिक्षा से लेकर सब में इसको दरकिनार किया जाता है पिछड़े का नाम आता है तो सरकार संत मार जाती है बाकी के लिए सब प्रेफरेंस देती है इसलिए उसका हम लोग तो जब आजाद करेंगे रांची के मोराबादी मैदान में तभी सरकार का चुन देंगे का कान में मुख्य मांगे आज जो है क्या थी उसमें से बता आज मुख्य मांगे ऐसा आपका ऐसा 11 सूत्री मांग पत्र है वो 11 सूत्री पर ही डिस्कशन हो रहा है और वो 11 सूत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है।